सोशल मीडिया पर क्रिकेट मैच का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खिलाड़ी एक दूसरे को लात घूंसे मारते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो यूएई में खेली जाने वाली एक क्रिकेट लीग का है। क्रिकेट को हमेशा से एक जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक अक्सर देखने को मिल जाती है। खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग होना आम बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर हर एक क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया है। दरअसल इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खिलाड़ियों के बीच मामला इतना बिगड़ जाता है कि बात लड़ाई तक पहुंच गई। बीच मैदान खिलाड़ी एक दूसरे को लात घूंसे मारते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो MCC वीकडेज बैश XIX लीग का है। यह क्रिकेट लीग UAE में खेली जाती है। इस लीग के दौरान एक मैच एरोविसा क्रिकेट और रबदान क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। इस मैच के दौरान दोनों टीम के खिलाड़ियों ने सारी हद पार कर दी। दरअसल मुकाबले के दौरान एरोविसा क्रिकेट की टीम के एक गेंदबाज ने रबदान टीम के एक बल्लेबाज को आउट करने के बाद जमकर जश्न मनाया, लेकिन गेंदबाज ने जोश में आकर विकेट का जश्न आक्रामकता के साथ मनाया। गेंदबाज को इस तरह से जश्न मनाते देख बल्लेबाज ने क्रीज पर ही अपना आपा खो दिया, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। दोनों ही खिलाड़ी क्रीज पर ही एक दूसरे को मारते हुए नजर आए। इस दौरान दोनों ज़मीन पर भी गिर गए। हालांकि टीम के साथियों और अंपायरों ने दोनों खिलाड़ियों को अलग करने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों के बीच हाथापाई या मारपीट की घटनाएं काफ़ी कम देखने को मिलती हैं, लेकिन कई बार खिलाड़ी अपना आपा खो देते हैं। पिछले साल भी सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में खेली गई सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। लीग में अंपायर के एक फैसले के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद लीग को सेमीफाइनल राउंड से पहले ही रद्द कर दिया गया था। वहीं भारत के घरेलू क्रिकेट में भी कई बार हाथापाई के मामले सामने आ चुके हैं।